हुआ है, क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में संपत्ति का लालच, पैसों का लालच, या कुछ लूंगा खरीदूंगा मैं सबसे अमीर बनूंगा करके अगर किसी के अंदर लालच है, तो भाई और बहनों बुराई की जड़ जो है यहीं से शुरू होगी और आपको परमेश्वर से जो है बहुत सारा दूर कर देगी। हे भाई और बहनों, आज भी लड़ाई या झगड़े या फैमिली में होते हैं तो संपत्ति को लेके होते हैं या तो पैसों को लेके होते हैं। कभी भी कोई भी परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए झगड़ा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई झगड़ा करता है तो सिर्फ पैसों के लिए, धन दौलत के लिए, घर बार के लिए और बिजनेस के लिए। हे भाई और बहनों, लाभ उठाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लाभ के लिए परमेश्वर को छोड़ देना, परमेश्वर को त्याग कर देना, ये आपको बुराई की जड़ में लेके जाएगा और आपको नरक में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, इस आदमी ने भी बहुत कमाया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया और उसने बड़े बड़े गोदाम भी बना लिए और सब कुछ उसमें रख दिया और अपने प्राण को कहने लगा, खा पी और आराम से रहे और चैन से रहे, क्योंकि बहुत वर्ष तक अब तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर कहता है, आज रात को मैं तेरा प्राण अगर ले लूं तो तू ये सारी चीजें किसको देगा और किसकी होंगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे ये सवाल कर रहे, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वो। है भाई और बहनों, हमें भी धन इकट्ठा करना है लेकिन स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है, स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है। हम अगर इस दुनिया में धन दौलत इकट्ठा करेंगे या उसके ऊपर घमंड करेंगे, लालच करेंगे, तो भाई और बहनों बुराई की जड़ हमारे जीवन में आएगी और परमेश्वर से हमें दूर लेके चले जाएगी। हे भाई और बहनों, इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं, मेरे पास परमेश्वर ने बहुत सारा धन और दौलत मुझे दी है, क्यों ना मैं इसको परमेश्वर के घर में लेके जाऊं, परमेश्वर के दासों को दूं, जरूरतमंद लोगों के बीच में जाके बांटूं, इसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन इसने ये सोचा कि बहुत वर्ष के लिए मेरे पास धन जो है है। हे भाई और बहनों, हम सब जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब लॉस में होते हैं, तो काफ़ी लोग ये स्टेटमेंट, ये बात कहते हुए मैंने भी सुना है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा आने दे मैं ये करूँगा, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा आने दे मैं चर्च के लिए माइक खरीदूँगा, मैं उसके लिए मैट्स खरीदूँगा, मैं उसके लिए ये सब करूँगा, चर्च में मैं जाके खाना खिलाऊंगा लोगों को, पास्टरों को, सेवकों को दूंगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा। ये बातें जो है कब कही जाती हैं? जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब उनके पास सब कुछ आ जाता है तो सबसे पहले लोग भूलते हैं परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के घर की जरूरतों को, सेवकों की जरूरतों को भी भूल जाते हैं और सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने घर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में और अपने रहने सहने के बारे में। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर के घर की चिंता, परमेश्वर के लोगों की चिंता, जरूरतमंद के लोगों की चिंता उस वक्त सब कुछ छोड़ देता है। पहले जब कुछ नहीं था उस टाइम पे देने का दिल करता है, लेकिन जब हमारे पास आ जाता है जब देने का दिल नहीं करता है। हे भाई और बहनों, इस इंसान ने भी ऐसे ही किया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर को देने के लिए नहीं सोचा, इसने कहा खा पी, अपने प्राण को कहा तृप्त हो जा, बहुत साल के लिए तेरे पास बहुत धन दौलत है, तो आराम से पूरी जिंदगी रह सकता है करके वो बोलने लगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहे हैं, अगर आपने भी पैसों का लाभ उठाया है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन आपने सब कुछ कमा लिया है, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो भाई और बहनों आप धनी नहीं हैं। आपने संसार से मित्रता की, परमेश्वर से बैर कर लिया,
आपने संसार के लिए सब कुछ कर दिया लेकिन परमेश्वर के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वो। हे भाइयों और बहनों,